ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के सपनों पर पानी फिर सकता है, लेकिन कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो अगर भारत के हक में जाएं तो भारत अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आसानी से दस्तक दे सकता है, उसके बारे में करेंगे बात इस वीडियो में। समझाएंगे आपको इंदौर टेस्ट मुकाबला हारने के बाद कैसा नजर आ रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का समीकरण भारतीय टीम के लिए, विस्तार में चर्चा करेंगे, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। जिस तरह से हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर के टेस्ट मुकाबले को तीसरे दिन में जीत लिया है, जहां 76 रन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए थे, ऑस्ट्रेलिया ने 78 रन बोर्ड पे लगा दिए, जिसके अंदर शानदार परफॉर्मेंस आया है बल्ले के साथ ट्रैविस हेड और टेस्ट के नंबर एक बल्लेबाज मार्नस लैबुशेन की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह कंफर्म कर ली है। WTC साल 2023 का फाइनल खेला जाने वाला है जून 7 से लेकर जून 11 तक ओवल लंदन के मैदान पर। पिछली बार 2021 में खेला गया था इसका फाइनल, भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान उस समय हुआ था जहां न्यूजीलैंड को भारत के सामने जीत मिली थी, लेकिन इस बार श्रीलंका के कंधों पर भी भारत को फाइनल में पहुंचाने की जिम्मेदारी है। अगर कहीं भारतीय टीम चौथा मुकाबला आसानी से जीत जाती है जो अहमदाबाद में 9 मार्च से खेला जाएगा, तब भारत भी पहुंच जाएगा WTC के फाइनल में। लेकिन अगर कहीं भारत को 9 मार्च से शुरू होने वाले अहमदाबाद टेस्ट मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा, तब कैसी रहेगी भारत के लिए पॉसिबिलिटीज फाइनल में जाने की, अब वो आपको समझाते हैं। 9 मार्च से शुरू होने वाली है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज। अगर श्रीलंका उन 2 में से कोई भी एक मुकाबला हारती है या मुकाबला ड्रॉ हो जाता है, तब भी भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा, जिसका मतलब साफ है एक टेस्ट मुकाबला श्रीलंका न्यूजीलैंड का 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक है, जबकि दूसरा टेस्ट मुकाबला 17 मार्च से 21 मार्च तक है। ये दोनों मुकाबले न्यूजीलैंड में खेले जाएंगे। श्रीलंका इन दोनों में से कोई भी एक मुकाबला हारे या कोई भी एक मुकाबला ड्रॉ हो जाए, तब भी भारतीय क्रिकेट टीम WTC के फाइनल में जाएगी, या फिर इसके अलावा अगर भारत चौथा टेस्ट मुकाबला जो 9 मार्च से अहमदाबाद में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के सामने, अगर भारत वो मुकाबला भी जीत जाती है तो भारतीय टीम की जगह WTC के फाइनल में कंफर्म हो जाएगी। तो अभी एक नहीं, 2-2 समीकरण है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक भारत के हक में जाता है तो भारत पहुंच जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।